Hi dear students, how are you? Hope you will be fine. Welcome to my channel Libra Exports. Today we will discuss on the topic types of chemical reaction. Already we have discussed two topics regarding types of chemical reaction on the basis of heat, that is endothermic as well as exothermic. And also we have discussed chemical reaction and chemical equation and the difference between chemical reaction and chemical equation. We have already discussed reactant and product, forward reaction, backward reaction. Now today we will discuss some important topics like general types of chemical reaction. You have already heard the name combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and redox reaction. Now we will discuss all these topics one by one. First of all we will discuss combination reaction. I think you know you are already aware of the word combination. Combination means when two things are combined together. Same formula, same concept you can apply here in case of combination reaction. That how we are going to define combination reaction. We will define combination reaction in this way. Just listen to me very carefully. बहुत ध्यान से आपको सुनना है. होता क्या है? मैं सबसे पहले क्या बात कर रहा हूँ? मैं टॉपिक ले देता हूँ. Types of chemical reaction. Types of chemical reaction. मैंने कल भी आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन इसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ हीट, हीट की बेसिस पे मैंने बताया था कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. आज हम बात करेंगे जनरल टाइप्स बात करेंगे. तो इसमें जो सबसे आपका नंबर वन है वो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देखें इसको ध्यान से समझे. क्या मैंने बोला? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसे समझना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या बोलेंगे? दैट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ध्यान से सुनो, दैट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस. यानी वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा चीज मिलकर एक नई चीज बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मीन्स टू थिंग्स आर कंबाइंड टुगेदर, दो चीजें मिल रही है और एक चीज बन रहा है. यानी दो चीजें मिल रही है, एक और दो, ये दोनों मिला एक नया चीज बना, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आई होप इट्स क्लियर टू यू. तो क्या डिफिनेशन लिखोगे? लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं. दैट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये आपका क्या बन गया? CO2. तो हियर क्या है? दो सब्सटेंस है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर CO2 बना रहे हैं. तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मींस हमें जब सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे? उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे. और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लाइक नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यहां पर क्या बनेगा? अमोनिया. तो ये भी यहां पर क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और एग्जांपल आप ले सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बन जाएगा? MgO. तो ये सब के सब आपके क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आई होप ये चीज समझ में आया होगा. नेक्स्ट जो है इसके बाद है वो क्या है? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ठीक है, तो अगला जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? आप नाम से समझ सकते हैं, डिकम्पोजिशन. डिकम्पोज मैंने ब्रेक करना, मतलब एक चीज जब एक से ज्यादा चीजों में ब्रेक करे, दो या दो से ज्यादा चीजों में ब्रेक करेगा, तब हम उसे क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसे ध्यान से देखो. जो नंबर टू है आपके वो क्या है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो जाएगा? दैट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंस, तब हम उसे क्या कहेंगे? आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, देखो यहां पे मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हमने क्या किया? हीट किया. जब CaCO3 को हम हीट करेंगे तो ये क्या होगा? आपका डिकम्पोज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. तो इसे हम क्या कहेंगे? आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन. मतलब क्या हुआ? एक चीज है, एक सब्सटेंस है, जब उसको हमने हीट किया वो दो चीज में ब्रेक हो गया, तब यानी सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट.
सिंगल सब्सटेंस ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंस या सिंगल सब्सटेंस ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर आपको लेना हो एग्जांपल किसका ले सकते हैं, देखो यहाँ पे जैसे अगर हम ले सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड का KClO3, इसे हम अगर हम हीट करें तो ये हमें क्या मिलेगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस CO2। तो जब ये चीज हमें मिला तो ये भी आपका किस चीज का एग्जांपल हो जाएगा, देख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा आपका। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 3O2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसे आप बैलेंस भी कर सकते हैं, देख लें KCl है, ये है Cl है, 3O2 है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लें, यहाँ पे 2 ले लें, हो जाएगा। तो इट मीन्स पोटेशियम क्लोराइड ब्रेक्स इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, तो ये भी आपका एग्जांपल किसका हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट जब इसके बाद आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब वो हम समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ध्यान से देखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो जाएगा, दैट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जब भी हम बात करेंगे अगर कोई केमिकल रिएक्शन है जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को उस जगह से वो डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। जैसे आप जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो जो ताकतवर लोग होते हैं वो कमजोर को क्या करते हैं, उसकी जगह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे इसमें लगा सकते हो, डिस्प्लेसमेंट यानी किसी चीज को बदलना, चेंज करना, उसके जगह से उसे हटा देना। तो हम क्या कहेंगे सर, दैट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपका, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, जूनियर क्लास में, कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज जब मेटल्स का अरेंजमेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। आपने पढ़ा होगा मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, किसी का रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है, किसी का रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होता है। जैसे मैं पोटेशियम की बात करूं और आपके सोडियम की बात करूं, ये क्या हो जाएगा, विगोरस होता है, इन नेचर होता है, यानी ये बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। अगर मैं जैसे दूसरा लेता हूं मैग्नीशियम, तो उसे हमें थोड़ा हीट करना पड़ेगा, और नीचे लेते हैं तो उसे क्या हो जाएगा, और ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है उसके टेंडेंसी पे, रिएक्शन की टेंडेंसी पे।